वाटर सप्लायर वाले जो वर्कर्स हैं उनको भी बोलते, तो वो बोलते हैं कि हम लोग नल खोल रहे हैं, उनको हम लोग वेट भी करें, एक भी फ़ोन नहीं उठाता। अगर एक बार जवाब देगा, महाराज है, बद्री है, पोखर है, कोई जवाब सही से नहीं देता। ना हमारे यहाँ पानी, पानी तो चलो अलग बात है, ना सफाई की यहाँ पर समस्या है, कोई सफाई करने नहीं आता, उनको फ़ोन करना पड़ता है हमें चला के सफाई वाले को कि हमारे गली में आज सफाई नहीं है। कल चला के फोन किया सुबह, तो शाम को आया कि नानी का जो कचरा निकाल के गए, ऊपर ऊपर वाला कचरा निकाल के चली जाती है, बहुत पानी समस्या, लाइट की भी तकलीफ हमारी गली में। अब यहाँ पर अगर ये रोड बन गई सीसी तो अंदर के पाइप लगेंगे नहीं, फिर बाद में वो वापस तो तोड़ेंगे नहीं। उस दिन हम लोगों ने मेवाराम जी को हमारे वार्ड नंबर 14 में बुलाया, उन्होंने बोला आपसे आपके टाइम पे टाइम 3 दिन में नल खुलेंगे। यहाँ कोई 3 दिन में नहीं खुलते, 10 दिन होते तो भी नल नहीं खुलते। और पीछे वाली गली है जो, उसके अंदर सप्लाई 12 घंटे तक पानी चलता है, और जब हम फोन करते तो क्या बोलते हैं, उधर का वॉल खराब हो रखा है। तो नल खुलते हैं, फिर मेवाराम जी बोला नल, मेवाराम जी ने बोला कि तुम्हारे भी नई पाइपलाइन लगेगी, 10 दिन में होगा। 10 दिन का आई थिंक 15-20 दिन हो गए, अभी तो कोई समस्या नहीं। और ऊपर से हमें बोला कि तुम्हारे सफाई करने के लिए 3 दिन में वर्कर आएगा, नाली का कचरा निकालने के लिए आएगा, वो भी कोई नहीं आता है। माननीय विधायक का कहना है कि आचार संहिता जब लगेगी शुरू होगी, उससे पहले पहले जो पुल का संचालन शुरू हो जाएगा तो सारी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। 7 तारीख तो ये रही आचार संहिता, 7 तारीख को लागू हो रही है और अभी तक तो कोई समाधान नहीं है। फोन करे तो फोन पे कोई प्रॉपर जवाब नहीं देते। फोन पे प्रॉपर माननीय विधायक ने कई बार प्रशासन के अधिकारी को फोन करके झड़प लगाई है, उनको डांट फटकार लगाई है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आगे जो बीच में जो वर्कर है वही काम नहीं करेंगे तो क्या। अब वहाँ से हमें स्वरूप सिंह बोल रहे हैं कि हम लोग फोन वाले, पर आगे जो नल खोलने वाला है वही नल नहीं खोले, वही कहीं चला जाता तो। और कल गली में आया, हमें बोल के गया कि अब आप क्या प्रदर्शन कर रहे हो, हम चाहते हैं कि पानी को हटाओ वहाँ से, कोई और पानी को जो वाल खोलता है वो। कल उसने जवाब क्या दिया हमें कि पानी ऐसे ही आएगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, नल में पानी एक बूंद तक नहीं। खाली गली में 15-20 घर है, उसमें से 2 घर में मोटर से पानी आता है, बाकी घर में तो नल में पानी भी नहीं आता। स्वरूप सिंह है जो अभी नए चैनल साहब, वो भी फोन पे ना सही बोला। क्या नाम है आपका, यहाँ से प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या परेशानी हो रही है? पानी की समस्या है, पानी आते नहीं, 2 साल है पानी टंकी अनुवा, लोग पानी भी दिखाई करे बोल टंकी अनुवा के ठीक हुआ, 24 घंटा पानी प्रोग्राम चल रहा है, पानी गरीब लोग कहाँ जाएंगे, चलो आज 15 दिन हो गया अभी तक लीची नहीं, नहीं वापस आपने अवगत नहीं कराया, नहीं घने घरे बैठा कोई गुनाह नहीं, कोई होने करे पानी की समस्या चले, पानी फोन लगाए तो पूछूंगा, हमको परेशान न करो। तो हमको 2 सालों से पानी की समस्या है, आपको परेशानी करके हम जाएगा, चलो हम तो टंकी लगाए, गरीब है कहाँ जाएंगे, उनको बोलने का भी तरीका होना चाहिए ना, ये कौन सा तरीका होता है बचने बात करने का कि परेशान नहीं करो, तो उनको नहीं करे तो हम किसको परेशान। आपके पास किसने बदतमीजी की है? अब ना मुझे नहीं पता, मैंने कॉल किया था, कॉल किस ऑफिस में किया था, कॉल आपने ऑफिस नंबर नाम मुझे नहीं पता, मैं नहीं नहीं आपने कहाँ फोन, किस कार्यालय में फोन किया था, पानी की पानी बात करने का तरीका होना चाहिए, बदतमीजी से बात कर रहा है कि हमको परेशान मत करो, परेशान हम उनको नहीं करे तो किसको करे, 2 सालों से हम पानी की बहुत समस्या आ रही है, हम कहाँ जाए, कितनी टंकियाँ डलवाएं, महिला हाउस का खर्चा चला कि पानी की टंकियों में पानी पैसे वेस्ट करें, हमारे भी छोटे बच्चे हैं उनको संभालने के लिए पैसे देते, वो हम पानी की टंकियों में डाल दे, सही है पैसे लाते ना, वो तो बड़े बड़े मेवाराम जी को बोले तो वो तो क्या है, उनके घर पे सप्लाई आराम से आती, वो तो ढंग से रहते हैं, न लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट की लाइट अभी ला गए कोई 10-15 हज़ार आम जनता जाएगा ना, सो पाते ना गा पाते, तो पानी के बिना करेंगे, जल जीवन है ना, उनको तो आराम से मिल रहा है, वाटर सप्लाई हो रहा है, हमारे तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, काफी सारे वार्ड है जहाँ पे पानी तो 2-2-3 काफी क्या, ये 14 नंबर वार्ड में जो हो रही है समस्या, पीछे वाले वार्ड में जाके देखो कोई समस्या नहीं है, ऐसे रोडों पे पानी वेस्ट हो रहा है, जिसको पानी की जरूरत है वह नहीं देते हैं, अच्छे से पानी दो ना, कि पीछे वाले गली में मत हो, पानी तो सब जगह समय से होते, पीछे में आगे में क्या गली में पानी घड़े बोल तो एक ही होता है ना, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कुछ नहीं आपके, आपकी बार हमको इनको खड़ा ही नहीं करना, मैं और आपको बस आते हो तो पानी की सॉल ही नहीं खाने, लाइट का प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम, करे क्या उसको आरती करे हम बेटा, क्या स्थानीय महिलाएं क्या चाहती है, अभी पानी की समस्या दूर करो, लाइट की समस्या दूर करो, जाएगा हम पानी घर का चला खर्चा के पानी का खर्चा उठाए, गरीब है उनकी मेवाराम की तरह VIP नहीं है हम, मेवाराम तेरे वाइफ को लाके बेटा चोली गए उधर, पता चल जाएगा उसको, एक दिन नहीं निकाल पाएगी मेवाराम की वाइफ उधर गली में,
इतनी परेशानी हो रही है, इतने मच्छर से लगे, हम कितने लाइट से, फैन भी नहीं चलता हमारा, कुछ बोलने नहीं है। मैं और आपको बोल रहे हैं, एक सेकंड, हमारी गली में 14 नंबर वार्ड में आप देख के देखो, क्या नहीं समय से गंदगी की, समय से हर चीज की, समय से अब बीमारी क्यों नहीं होगी, गंद की गली में कितनी सारी है। स्थानीय विधायक महोदय तो बड़ी बड़ी सभाओं में बोलते हैं कि लोगों के बिल भी बिल्कुल कम आ रहे हैं, लाइटों के बिल कम आ रहे हैं, ज्यादा गरीब आए और लाइट बिल थोड़ी आ रहा है, पानी की परेशानी को लेकर इतने परेशान हो रहे हो, महीने में कितने टंकी नमानी डलवानी पड़ती है, 4 महीने से आ रहा है, मेरे को 2 साल हो गए इससे बाढ़ में, से पानी डाले एक एक टंकी 5 दिन आ रही हूं, कहां से लेके आऊं पैसे, गरीब है, मजदूर है, मजदूरी करे कि ये टंकियों में पैसे डाल दे। बाढ़ में विकास को लेकर इस बार महिला किसकी सरकार चाहती है, अच्छी जो हमारी अच्छी से हेल्प करेगा हम उसको अच्छी वोट देंगे, नहीं मेवर राम को, जय राम, मेवर राम को बोलो अपनी वाइफ को लेके आ जा इधर, एक दिन हमारी इधर आके बैठ, पता चलेगा तुझे। थैंक यू।